स्टूडेंट और टीचर का अफेयर है। ये दोनों वीकेंड पर जरा बाहर जाते हैं पर वहां उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। इनका वीकेंड एक सर्वाइवल का गेम बन जाता है। इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हमारी आज की मूवी आती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एन अफेयर टू डाई फॉर ये 2019 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लास्ट में जो ट्विस्ट आता है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। ये पूरी मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। आज की वीडियो में हम एक गिव अवे करने वाले हैं जो स्पॉन्सर किया है कैश करो ऐप ने। हर जगह सेल चल रहा है, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट का बिल बिलियन डेज, मिंत्रा एजियो की सेल पर कैश करो के ऑरेंज बटन से आप इन सेल्स के डिस्काउंट पर कमा सकते हो और भी एक्स्ट्रा कैशबैक। अगर आप भी डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग करते हैं तो कैश करो की आदत डाल लो। इसी वीडियो में गिव अवे की भी डिटेल्स में देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बिना किसी देरी के इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हॉली, एक कार में एक वीकेंड के लिए एक होटल तक जा रही होती है। हॉली एक डॉक्टर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर हो गया था जिसका नाम है एवरेट। एवरेट से ही वीकेंड पर मिलने के लिए इस होटल तक वो जा रही है। जब वो कार में है तभी उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है। उसके हस्बैंड को उसने बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस है जिसे वो अटेंड कर रही है। उसके हस्बैंड को यह सस्पिशियस लगता है कि हॉली को बार बार कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ता है। हॉली के हस्बैंड का नाम रसल है। इन दोनों को एक बेटी भी है जो अब कॉलेज में पढ़ती है। ये सब इन्फॉर्मेशन जब हॉली को उसके हस्बैंड का यानी कि रसल का कॉल आया था तभी हमें मिल जाती है। इसके बाद हॉली होटल तक पहुंचती है। होटल का वेटर जिसका नाम है डेव, ये हॉली को उसका सामान रूम तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। रिसेप्शन से डेव को पता चला है कि हॉली की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए इस होटल में आई हुई है। हॉली ने एवरेट के साथ सेफ रहने के लिए ये कवर स्टोरी बनाई थी। डेव हॉली से बात करने लगता है और कहता है कि मेरी भी शादी को अब 2 साल हो चुके हैं। हॉली उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। डेव हॉली से पूछता है कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं। हॉली कहती है कि आप 21 ईयर्स हो चुके हैं। डेव ये सुनकर इम्प्रेस्ड होता है। वो हॉली से अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए एक एडवाइस मांगता है। हॉली कहती है कि अपनी वाइफ को जरा स्पेस देना, तुम अगर 1-2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हो तो इससे प्यार बढ़ जाता है। कभी भी वाइफ को अपने आप से कोई अलग मत समझना और हमेशा कोई झगड़ा वगैरह हुआ तो उसे फूल लेकर जाना। डेव को यह एडवाइस बहुत अच्छी लगती है। डेव हॉली को उसका रूम वगैरह दिखाता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। हॉली देखती है कि टेबल पर वाइन पड़ी हुई है, उसके पास एक लेटर पड़ा है। इस लेटर में एवरेट ने हॉली के लिए मैसेज छोड़ा है। इसमें लिखा है कि बात लो, अपने आईज क्लोज करो और उसके बाद सिंह के पास जो इनवेलोप है इसे ओपन करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हॉली फिर ऐसा ही करती है, उसका बात एंजॉय करती है। जब वो सेकेंड लेटर खोलती है तो उसके लिए कुछ चीजें है जो उसे पहननी है। यहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्ड है और हैंडकफ्स है। इस लेटर में लिखा हुआ है कि 3 बार नॉक कर मैं अंदर आऊंगा। हॉली ये ब्लाइंड फोल्ड पहनती है और अपने हैंडकफ करती है। इसके बाद वो एवरेट का वेट कर रही है। थोड़ी देर में डोर पर 3 नॉक्स आते हैं। कोई अंदर आता है पर हॉली अभी भी उसे देख नहीं पा रही। हॉली बोलती है क्या तुम एवरेट हो। जो कोई भी आया है वो कुछ भी बोलता नहीं, डायरेक्टली हॉली के पास आकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद हॉली को लगता है कि आदमी उसे जबरदस्ती कर रहा है, वो हर्ट हो रही होती है। हॉली उसे रुकने के लिए कहती है पर वो रुकता नहीं। वहां से फिर वो आदमी चला जाता है और लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में हम देख सकते हैं कि एवरेट के मुंह पर पट्टी है, उसके हाथ भी बंधे हुए है। जो आदमी हॉली के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था ये हॉली का हस्बैंड ही था जिसका नाम है रसल। रसल फिर एवरेट के पास आता है, उसे कहता है कि अब तुम्हें झूठ बोलना है, कुछ भी हो जाए हॉली इस रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे डॉटर्स इन सब को मैंने किडनैप कर लिया है, अगर हॉली ने कुछ भी मिस्टेक की तो मैं उन्हें मार दूंगा। रसल एवरेट को एक फोन देकर जाता है, अगली इंस्ट्रक्शंस वो फोन पर ही देने वाला है। एवरेट को फ्री कर रसल वहां से चला जाता है। एवरेट फिर हॉली के पास आता है, उसका ब्लाइंड फोल्ड वगैरह निकालता है तो हॉली उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है। हॉली कहती है कि मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये जो तुमने आज किया है ये बहुत ही गलत किया है। अब तुरंत हॉली यहाँ से चली जाना चाहती है पर एवरेट उसे रोक लेता है। एवरेट उसे बोलता है कि प्लीज ऐसे मत जाओ, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। उसे गिड़गिड़ा कर रुकने के लिए मना लेता है। हॉली जरा शांत होती है और उसके बाद एवरेट को रसल का कॉल आता है। एवरेट रसल से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमें इसे रोक कर नहीं रख सकते। रसल कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को हर्ट कर दिया है, मैं तुम्हें जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुम्हें सब कुछ करना है वरना तुम्हारी फैमिली को एक एक कर मैं मार डालूंगा। रसल फिर एवरेट को उसकी वाइफ की भी चीख सुनाता है, उसकी वाइफ हेल्प के लिए गिड़गिड़ा रही है। एवरेट बहुत ही डर जाता है। रसल एवरेट को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें इस रूम से बाहर नहीं जाना है।
अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। इस कॉल से हमें यह भी पता चलता है कि रसल को हॉली और एवरेट के बारे में उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से पता चला था। ये लॉन्ग वीकेंड्स पर जाते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। हॉली लिविंग रूम में है और थोड़ी अब शांत हो चुकी है। एवरेट उसके पास जाता है। हॉली उससे पूछती है कि ऐसा तुमने आज क्यों किया। एवरेट कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हें पसंद आएगा, तुमने लास्ट वीकेंड पर कहा था कि हमें कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। हॉली कहती है कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एवरेट उसे फिर से सॉरी कहता है। अब फिर से ऐसा वो नहीं करने वाला। ये दोनों बात कर रहे थे तभी होटल का स्टाफ उनके डोर पर नॉक करता है। एवरेट जब देखने के लिए जाता है तो स्टाफ उसे कंप्लेन करता है। वो कहता है कि तुम्हारे नेबर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। एवरेट और हॉली ये दोनों बहुत ही आवाज कर रहे थे। एवरेट उन्हें सॉरी कहकर ये फिर से नहीं होगा ये उन्हें अश्योर करता है। जब एवरेट होटल के स्टाफ से बात कर रहा था तभी हॉली को एक कॉल आया। ये कॉल रसल का था। रसल ने उसे पूछा कि तुम कहाँ हो। हॉली ने फिर से उसे झूठ कहा। रसल ने अब हॉली का झूठ पकड़ लिया। उसने कहा कि मुझे पता है एवरेट के बारे में। हॉली ने डिनाई करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाई। रसल बोला कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ एवरेट का ये फर्स्ट अफेयर था। एवरेट ने बहुत सारी लड़कियों के साथ भी किया है, उसके बाद वो लड़कियां भी गायब हुई थी। रसल हॉली को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब तुम इस होटल से बाहर निकलने की ट्राई करो। या हम देख सकते हैं कि रसल एवरेट और हॉली को दोनों को मैनिपुलेट कर रहा है। एवरेट को हॉली को रूम में ही रखना है और हॉली को यहाँ से अब बाहर निकलना है। रसल एवरेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि हॉली का मोबाइल ले ले। इसके बाद एवरेट हॉली के पास आता है। उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें मसाज देने वाला हूँ। मसाज टेबल के पास हॉली का फोन वो ले लेता है। हॉली फोन देने के लिए मना करती है पर एवरेट कहता है कि मसाज का अगर तुम्हें फुल एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो तुम फोन में एंगेज नहीं रह सकती। हॉली फिर मसाज टेबल पर जरा रिलैक्स होती है। इस वीकेंड के लिए जिस होटल में आए हैं ये होटल एवरेट ने बुक किया था। हॉली को क्वेश्चन आता है और वो एवरेट से पूछती है कि तुमने इस होटल को अफोर्ड कैसे किया। अगर आपको इस तरह की अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको सेविंग करनी पड़ती है। सेविंग का एक अच्छा तरीका और हमारा गिव अवे, इसके बारे में मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश करो ऐप का लिंक दिया हुआ है। अभी जाकर उस लिंक पर क्लिक करो और सिंपली ऐप डाउनलोड करो। मेरी दी हुई लिंक से आपको 25 रुपीज कैशबैक मिलेगा। इस 25 रुपीज के अलावा हम 5 विनर चुनेंगे। इस 5 विनर्स को अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जिसकी वर्थ होगी 200 रुपीज ईच। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट ओपन कर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे अब मैं अमेजोन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे आपको करनी है। पेमेंट करने के बाद कैश करो ऐप में माय अर्निंग सेक्शन में आप अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कन्फर्म हो जाएगा तो डायरेक्टली बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो या अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो ऐप से अमेजोन जैसे 1500+ वेबसाइट से आप शॉपिंग कर सकते हो। अभी सेल के टाइम पर अगर आप कैश करो ऐप से शॉपिंग करते हो तो एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा ही और इसके साथ आप जीत सकते हैं 3 लाख तक बम्पर प्राइस। अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो ऐप अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी ट्रांजेक्शन करो। मेरी लिंक से साइन अप करने के बाद परचेज कर आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। हमारे गिव अवे के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और कोई भी परचेज करो। हमारे 5 विनर्स को अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जिसकी वर्थ 200 रुपीज ईच होगी। सो डाउनलोड कैश करो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन नाउ। फिर से हमारी वीडियो की तरफ हम मुड़ते हैं। एवरेट कहता है केयरफुल रहकर मैंने सब ट्रांजेक्शन वगैरह की है, तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी को भी हमारे बारे में नहीं पता चलेगा। मसाज करते वक्त एवरेट हॉली से पूछता है तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। एवरेट और हॉली के कुछ रूल्स थे, अपने हस्बैंड और वाइफ के बारे में कोई भी पूछने नहीं वाला। अब ये रूल वो ब्रेक कर रहे हैं। हॉली एवरेट को कुछ भी नहीं बताती। एवरेट पूछता है कि उसने तुम्हें कॉल क्यों किया था। हॉली कहती है कि मैं कैसे हूँ ये सिर्फ वो चेक कर रहा था। मसाज हो जाने के बाद हॉली शावर लेना चाहती है। उसे अभी भी मालूम पड़ा है एवरेट डेंजरस है तो चालाकी से अपना फोन उठाना चाहती है पर एवरेट उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि तुम आराम से शावर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दूंगा। हॉली शावर में जाने का बहाना कर अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर आवाज लगाती है। उसे कोई हेल्प कर सके इसके लिए वो चिल्लाने लगती है। एवरेट उसे सुन नहीं पाता पर एवरेट को रसल का मैसेज आता है। वो कहता है कि हॉली कुछ अजीब कर रही है, अगर फिर से हॉली ने कुछ मिस्टेक की तो उसकी वाइफ को मार डालेगा। एवरेट डर जाता है और हॉली के बेडरूम तक आता है। हॉली ने बेडरूम को बंद कर दिया है। एवरेट दरवाजे को तोड़ता है पर हॉली चालाकी से फिर से शावर में आ चुकी है। वो अब हॉली पर बिलीव नहीं कर सकता। हॉली से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शावर करूंगा। फिर से वो हॉली से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। वो गैसेस लेने लग जाता है।
वो पहले कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कॉप होगा, सिक्योरिटी में होगा, पर उसके बाद हॉली उसे कहती है कि उसका हस्बैंड सर्विलेंस में है, पुलिस के लिए वो सर्विलेंस करता है। एवरेट को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि इतने दिनों से हमारा अफेयर है और तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हॉली कहती है कि उसका डेस्क जॉब है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एवरेट कहता है कि तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। गुस्से में शावर से बाहर निकलता है। लिविंग रूम में आकर क्या कहीं माइक्रोफोन या कैमरास हाइड क्यों है ये सर्च वो करता है। उसे पता है कि रसल उसे देख सकता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद एवरेट को फोन पर इंस्ट्रक्शन मिलती है कि गोली लो और हॉली के ड्रिंक में मिला दो, इस ड्रिंक की वजह से हॉली को नींद आ जाएगी। हॉली भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है तो उसके बैग में स्लीपिंग पिल्स है। हॉली को स्लीपिंग का प्रॉब्लम था, इसी वजह से उसके पास ये है। उसे भी आइडिया आता है कि एवरेट के ड्रीम में ये गोलियां मिला सकती है। हॉली बाहर आने के बाद एवरेट उसे वाइन के लिए पूछता है। ये दोनों बालकनी में आते हैं। हॉली एवरेट के सामने उसके ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिला सकती तो कहती है कि मुझे रेड वाइन नहीं चाहिए, फ्रिज में व्हाइट वाइन की बॉटल है, क्या तुम वो ला सकते हो। एवरेट जब ये लाने के लिए जाता है तो हॉली उसके ड्रिंक में गोली मिला देती है। एवरेट भी व्हाइट वाइन में गोलियां मिलाता है। अब फिर से बालकनी में ये दोनों ड्रिंक करने ही वाले थे तभी इनकी डोर की रिंग बजती है। वेटर जिसका नाम है डेव, ये इनके लिए डिनर लेकर आया हुआ है। हॉली ने वेटर से कहा था कि उनके मैरिज को 21 ईयर्स हो चुके हैं। एवरेट की एज बहुत ही कम है तो वेटर को अजीब लगता है। जब वेटर वहां से जा रहा होता है तो हॉली खुद उसे टिप देती है। टिप की नोट पर लिखा हुआ था कि उसे हेल्प चाहिए, एवरेट बहुत ही डेंजरस है। इसके बाद बिना वाइन पिए हॉली और एवरेट डिनर के लिए बैठते हैं। इस डिनर के लिए स्टेक है और ये डिनर भी रसल ने भिजवाया था। हॉली को लगता है कि एवरेट ने ऑर्डर किया है और पूछती है कि तुमने ये क्या मंगवाया। एवरेट कहता है कि मैंने शेफ स्पेशल मंगवाया था, तुम्हें तो न्यू चीजें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तुम तो इसे ट्राई कर ही सकती हो। एवरेट हॉली और उसके रिलेशन के बारे में बोल रहा था। इन दोनों में अफेयर हुआ तो एवरेट हॉली को ही ब्लेम करता है। हॉली कहती है कि स्टार्ट तो तुमने ही किया था, तुम फेल हो रहे थे तो एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए तुम कुछ भी करने के लिए रेडी थे, फर्स्ट मूव तो तुमने ही की थी। इन दोनों को बताया कि इनकी रिलेशनशिप अब ज्यादा नहीं चलने वाली। हॉली कहती है कि जो भी था हम दोनों ने मजे किए हैं, हम दोनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है, हमें पता था कि ये गलत है पर इसी वजह से हमें मजा आ रहा था। ये डिनर खत्म होता है तो एवरेट के मोबाइल पर मैसेज आता है। इस मैसेज में हॉली ने जो वेटर को नोट दी थी यही नोट है। इसमें लिखा हुआ है कि तुम केयरफुल नहीं थे, अब तुम्हारी वाइफ को भुगतना पड़ेगा। डोर पर नॉक आती है। एवरेट की वाइफ का रिंग फिंगर कट कर वहां रखा हुआ है। एवरेट ये देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, वो सुन होकर एक जगह पर बैठता है। हॉली ये देखकर उसके पास जाती है और उसे वाइन पिलाती है। उसकी हेयर पिन एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरह है, ये पिन लेकर वो एवरेट के गले पर लगाती है। कहती है कि मुझे अब सच सच बताओ कि चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बता और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुमने मुझे असॉल्ट किया है, मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगी तुम बड़े डबल में आ सकते हो। एवरेट हॉली को कुशन के पास झुकने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड ये सब कर रहा है, उसने सब जगह कैमरे लगाए हुए है, हमें वो यहाँ देख नहीं सकता, उसकी वजह से मेरी फैमिली भी डेंजर में है। सब कुछ वो उसे बता ही रहा था पर अब वाइन का नशा उसे आता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में हॉली भी बेहोश होती है क्योंकि उसने भी वाइन पी थी। जब एवरेट उठता है तब उसके हाथ में एक सिरिंज है। उसी के रूम में रसल एक चेयर में हर्ट होकर पड़ा हुआ है। जब वो लिविंग रूम में आता है तब हॉली भी बंधी हुई है। रसल को हॉली के कफ्स की चाबी मिलती है और उसे वो खोल देता है। हॉली कहती है कि तुम इससे बच नहीं सकते, दूसरी लड़कियों के साथ तुमने जो किया है वो मेरे साथ नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता है और वो जल्दी आ जाएगा। एवरेट हॉली को हैंडकफ से छुड़वा कर बेडरूम में लेकर आता है। हॉली रसल को देखकर रोने लग जाती है। रसल के हाथ में एक नोट है जो हॉली देख लेती है। ये नोट वो छुपके से रख लेती है। रसल की टंग ही काट ली गई है तो कुछ भी बात नहीं कर सकता। रसल बहुत ही हर्ट है तो थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एवरेट के मोबाइल पर कॉल आता है। एवरेट स्पीकर पर कॉल लगाता है। इस कॉल में आदमी कहता है कि मैसेज तुम दोनों के लिए है, तुमने अफेयर कर दो फैमिलीज को हर्ट किया है, अब इनको चॉइस देता है। वो कहता है कि कल सुबह तुम्हारे रूम से सिर्फ एक आदमी बाहर निकलेगा, अब तुम दोनों को डिसाइड करना है कि कौन होगा, यानी कि इन दोनों को कह रहा है कि एक दूसरे को मार डाले। अगर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया तो हॉली की डॉटर को और एवरेट की फैमिली को मार डालेगा, ये उन्हें वो धमकी देता है। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। एवरेट लिविंग रूम में आकर एक नाइफ निकालता है। रसल के हाथ में जो नोट थी जब वो हॉली पढ़ती है तब उसमें सेफ लिखा हुआ है, यानी कि इस रूम में जो सेफ है ये हॉली को देखनी है। हॉली को रूम के सेफ में एक मेमोरी कार्ड मिलता है। एवरेट हॉली को जाकर मारने ही वाला था तभी होटल का स्टाफ डोर पर नॉक करता है। कहता है कि बहुत सारी नॉइस कंप्लेंट आ रही थी,
होटल के स्टाफ कहते हैं कि जो वेटर आपके पास आया था वो मिसिंग है। हम सब जगह इंक्वायरी कर रहे हैं पर लास्ट टाइम आपके रूम तक वो आया हुआ था। इसी रूम से उन्हें बहुत सारी नॉइस कम्प्लेंट भी आई हुई है। एरेट उन्हें कहता है कि हमें डिनर सर्व कर कर वो वेटर चला गया। उन्हें अश्योर करता है कि नॉइस हम कम रखेंगे। होटल स्टाफ कहते हैं कि आपकी वाइफ से भी हमें बात करनी है। जैसा एवरेट ने कहा था वही सब कह देती है। इसके बाद हॉली चाकू उठा लेती है। एवरेट उसे कहता है कि ये जो सब हो रहा है ये परफेक्टली प्लान्ड है। तुम्हारा हस्बैंड और कोई उसके साथ मिलकर हमारे साथ ये कर रहा है। हम दोनों की फैमिली डेंजर में है तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। हॉली इस पर बिलीव नहीं करती तो एवरेट कहता है कि मेरी वाइफ का फिंगर निकाल कर उन्होंने मुझे सेंड किया था। ये फिंगर हॉली देखती है। हॉली अभी भी कहती है कि तुम थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाले थे, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। एवरेट उसे मनाने के लिए उसके पास जाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ है, मेरे डॉटर है, मेरा एक अच्छा फ्यूचर है। हॉली उसे दूर रहने के लिए कहती है पर एवरेट रुक नहीं रहा। उसके ज्यादा ही पास आ जाता है तो हॉली चाकू चला देती है। मरते मरते एवरेट कहता है कि हम दोनों कभी भी एक कपल नहीं बन सकते थे, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? हॉली भी उसे सहारा देती है। एवरेट को पछता आता है। कहता है क्या तुम्हें लगता है कभी भी मेरी फैमिली मुझे माफ करेगी? हॉली इसका आंसर उसे नहीं दे पाती। थोड़ी देर में एवरेट की भी डेथ होती है। एवरेट के मोबाइल पर हॉली को एक कॉल आता है। हॉली को इस कॉल पर कहा जाता है कि अब तुम फ्रीडम के लिए एक ही स्टेप दूर हो। तुम्हारे पास जो भी सब फोन है माइक्रोवेव में डालकर उन्हें जला दो। इसके बाद मुझे मिलने के लिए रूम 302 में आओ। ये सिर्फ तुम कर दो और तुम्हारे रूम में जो भी सब बॉडीज पड़ी हुई है ये सब हम देख लेंगे। तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। हॉली को जैसे कहा गया था ये सब वो करती है और फिर रूम में आती है। इस रूम में आकर उसे एवरेट की वाइफ मिलती है जो बंधी हुई है। हॉली कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली। एवरेट की वाइफ कहती है कि एवरेट कहाँ है? हॉली कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। इसी रूम में हॉली देखती है कि बहुत सारे मॉनिटर्स है। जो भी हॉली के रूम में चल रहा था ये सब यहाँ से देखा जा सकता है। रसल की वजह से हॉली को एक मेमोरी कार्ड मिला है। ये वो प्लग कर कर देखती है। इसमें एक वीडियो है जिसमें वो देख सकती है कि रसल ने सब कैमरेज वगैरह फिट किए थे। और भी आगे देखती है तो रसल के साथ एवरेट की वाइफ भी थी जिसको अभी अभी हॉली ने फ्री किया है। आज जो भी हॉली और एवरेट के साथ हुआ है ये सब रसल और एवरेट की वाइफ ने मिलकर प्लान किया था। एवरेट की वाइफ फिर हॉली के पास आती है। वो कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पहली जो दो लड़कियां थी उन्हें एवरेट ने मार दिया था। तुम्हें वो नहीं मारने वाला था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं और तुम्हारा हस्बैंड दोनों तुम्हें पनिश करना चाहते थे। उसे कन्विंस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद हॉली के पास जो कार्ड है ये एवरेट की वाइफ छीन लेती है। इसे तोड़कर टॉयलेट में डाल देती है। एवरेट की वाइफ और हॉली ये दोनों एक दूसरे से झगड़ती है। इसी झगड़े में गुस्से में हॉली एवरेट की वाइफ को मार डालती है। इनके कमरे से बहुत ही नॉइज आ रही थी तो होटल स्टाफ इनके रूम तक पहुंच चुका है। हॉली को एवरेट की वाइफ का मर्डर करते हुए देख लेता है। हॉली को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये रसल और एवरेट की वाइफ कर रहे थे। इस ब्लैकमेल का एक ही प्रूफ था और वो था एवरेट का फोन। हॉली को एवरेट की वाइफ ने कहा कि अगर उसे बचना है तो एवरेट के फोन को वो माइक्रोवेव कर दे। फोन एक सबूत था और दूसरा था रसल का हॉली को दिया हुआ एक कार्ड। ये कार्ड एवरेट की वाइफ ने हॉली से छीन लिया और उसे तोड़ दिया। अब हॉली के पास कुछ भी रियल एविडेंस नहीं है। वो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती। देखने से तो यही लगेगा कि उसने एवरेट, उसकी वाइफ और रसल को मार डाला। हॉली अब पूरी तरीके से फ्रेम हो चुकी है। हॉली और एवरेट की वजह से उन दोनों की फैमिलीज बर्बाद हो गई। एवरेट के बारे में उसकी वाइफ को पता चला था। वो एवरेट और हॉली से इन दोनों से बदला लेना चाहती थी। उसने फिर रसल को कॉन्टेक्ट किया। हॉली और एवरेट को टॉर्चर करने वाले थे। स्टार्टिंग में इनका प्लान बहुत ही अच्छे से चला। मूवी के बीच में हमने देखा कि रसल को टॉर्चर किया गया और उसकी डेथ हो गई। लीडिया हॉली और एवरेट को मार देना चाहती थी। शायद रसल को अच्छा नहीं लगा और इन दोनों में फाइट हुई। लीडिया ने रसल को भी ड्रग कर उसे मार डाला। आपको लग सकता है कि हॉली और एवरेट को तो एक आदमी की आवाज में कॉल आ रही थी। एवरेट की वाइफ के पास पूरा सेटअप था। वह सिमुलेशन कर उनसे वो बात कर रही थी। उसने जैसा प्लान किया था हॉली और एवरेट इन दोनों में से एक दूसरे को मार डालेगा वैसे ही हुआ। लास्ट में एवरेट की वाइफ ने सबको सबूत मिटा दिया। एवरेट की वाइफ मर गए पर वो हमेशा से बदला लेना चाहती थी तो लेकर गई है। अब हॉली पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगी। इसी तरह से हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। एक गलत चीज का अंत भी बहुत ही बुरा होता है। वीडियो एंड करने से पहले गाइस, सेल्स तो लाइफ है। इन सेल्स पर फ्री कैशबैक अर्न करो कैश करो से। कैश करो आपको शॉपिंग करने के लिटरली फ्री पैसे दे रहा है। कैश करो ऐप अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करो और बहुत सारे पैसे बचाओ और कमाओ भी। डिस्क्रिप्शन की लिंक से 25 रुपीज एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। इट्स अ ग्रेट चांस। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।